सोनीपत में कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार के आवास और कार्यालय पर ईडी की लगातार छापेमारी रही और करीबन 30 घंटे से ज़्यादा के समय ईडी ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया और ख़ास तौर पर कुछ दस्तावेज भी ईडी यहां से लेकर गई है। परिवार के लोगों और फर्म से संबंधित अलग अलग दस्तावेज उनसे मांगे गए और वो यहाँ से लेकर गए हैं। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि सोनीपत में मैं सुरेंद्र पवार विधायक के घर पर ही खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जिस प्रकार से कोई आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बंद की गई थी, लेकिन एक बार फिर सब सुचारू हो गया है और करीबन रात को 10:30 बजे ईडी की टीम जो है दिल्ली का रुख किया है। और उसके बाद जो है यहाँ विधायक से बातचीत हुई है तो विधायक ने यही कहा है कि भविष्य में भी इस प्रकार से ईडी के तरफ से कोई दस्तावेज अगर मांगे जाते हैं तो वे पूरी तरह से सहयोग भी करेंगे। हालांकि जो दस्तावेज उनसे लिए गए हैं उन्होंने पूरा सहयोग किया है और सभी दस्तावेज कुछ दस्तावेज अलग फर्म से, और हालांकि 2013 से पहले का कोई मामला खनन को लेकर था उससे संबंधित भी जो जानकारी है वो सामने आई है और उसी को लेकर अब दस्तावेज मांगे गए हैं और वो लेकर भी गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर अब ईडी जा चुकी है, लेकिन आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, ईडी द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई रहने वाली है, ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल ईडी जा चुकी है और 30 घंटे से ज़्यादा के समय यहाँ पर जांच प्रक्रिया में शामिल रही। और इस दौरान किस प्रकार के दस्तावेज जो है लिए गए? देखो, ईडी की टीम जो है 4 तारीख को सवेरे यहाँ पर लगभग 7-8 बजे यहाँ पहुँची थी और उन्होंने जो भी हमारे से जो डॉक्यूमेंट मांगे उस जाँच में हमने वो सारे डॉक्यूमेंट उनको दिए, पूरे अपने परिवार के या जो भी फर्म हमारे थी हमारे पास उनकी सारी डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रोवाइड करा दिए। विधायक जी, 2013 से पहले का कोई मामला बता रहे थे, क्या कुछ मामला था, कुछ जानकारी उससे संबंधित? देखिए, इस बारे में मुझे नहीं पता कि ना मैंने उनसे पूछा कि किससे संबंधित है। उन्होंने हमारे से मुझसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगे वो मैंने सारे प्रोवाइड करा दिए। आगे भी जाँच में सहयोग करते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो ये जाँच एजेंसी है, कोई भी जाँच के उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट या और भी कोई जांच होगी तो मैं उसमें सहयोग करूँ। हाँ, किस टाइम गए हैं सर ये रात को? कल लगभग 10:30 बजे 11 बजे। किस किस से पूछताछ हुई है, क्या क्या पूछा है? नहीं, वो मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपने जो मेरे परिवार से और जो हमसे जो पूछताछ उन्होंने जो करी उनके हमने सब जवाब दे दिए थे।